उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वतंत्र भारत में जब हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है, अब संघर्ष अथवा विरोध का समय नहीं रहा। आज का समय ठोस रचनात्मक कार्य का समय है। मैं जानता हूँ संघर्ष करना कठिन है, परंतु उसी एकाग्रता से रचनात्मक कार्य करना उससे भी कहीं अधिक कठिन है। यह भी स्पष्ट है कि संघर्ष के बाद यदि रचनात्मक कार्य नहीं होता तो संघर्ष की उपादेयता ही लुप्त हो जाती है और जो सफलता प्राप्त की गई हो उसकी सार्थकता संकट में पड़ जाती है। इसीलिए रचनात्मक कार्य के समय को वास्तविक परीक्षा का समय माना जाता है, जिसमें उन सभी सिद्धांतों, उद्देश्यों और आदर्शों की पूरी परख होती है जिनका सहारा लेकर संघर्ष को जीवित रखा गया हो। हिंदी के हितैषियों और साहित्य सेवियों के लिए अब यही समय है। मैं कह सकता हूँ कि शायद पहले कभी उन पर इतना गंभीर दायित्व तो नहीं आया था जितना कि अब हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने से आया है। समस्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से हिंदी भाषा का जो मान किया है और हमारे संविधान ने उसे जो स्थान दिया है, वह सब हम सबके लिए एक सद्भावनापूर्ण चुनौती के समान है। यह निर्णय एक प्रकार से सभी हिंदी भाषियों और साहित्यिकों में विश्वास के प्रस्ताव के समान है। इस आदर को हम कैसे निभाएं जिससे विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के बोलने वाले प्रतिनिधियों द्वारा किए गए उक्त निर्णय के औचित्य को सिद्ध कर सकें। यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर सभी हिंदी सेवियों को विचार करना चाहिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत बड़ी संस्था है जिसके निर्माण में इस देश के अनेकों यशस्वी विद्वानों और देशभक्तों ने योग दिया है। मैं समझता हूँ कि यद्यपि सम्मेलन की स्थापना हिंदी के प्रचारार्थ हुई थी, इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं के प्रचार का कार्य भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इससे एक ओर हिंदी और दूसरी भाषाओं में पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ेगा और दूसरी ओर सम्मेलन का आधार भी अधिक व्यापक हो जाएगा। मेरे विचार से यह कार्य राष्ट्रीय साहित्य हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य सम्मेलन तीनों के हित की दृष्टि से उचित होगा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, जिसके रजत जयंती समारोह के उद्घाटन के लिए आपने मुझे आमंत्रित करने की कृपा की है, 25 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में पदार्पण किया था। इस राज्य के सभी लोग सम्मेलन की सेवाओं से भली प्रकार परिचित हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह रजत जयंती समारोह इस राज्य के साहित्य सेवियों को और अधिक बल देगा, जिससे वे साहित्य की समृद्धि द्वारा और हिंदी तथा अहिंदी प्रदेशों के बीच पूर्ण सद्भावना का वातावरण तैयार करके इस राज्य के लोगों की ही नहीं बल्कि देश भर की सेवा कर सकेंगे। मेरे विचार से हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि करके और सभी भाषा भाषियों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। कम से कम इस ओर सबका ध्यान आकृष्ट हो चुका है। आज हमारे अन्न भंडार में 3.5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा है, रखने की जगह नहीं है। इसलिए समाज कल्याण के कामों में लगाने और विविध रूपों में निर्यात करने के अवसर बढ़ रहे हैं। सारी दुनिया आज जब निर्यात के अवसर खुले हैं, विश्व का परिवेश बदल रहा है, सारी दुनिया के बाजार खुल गए हैं, सौभाग्य से दुनिया में शाकाहार भी बढ़ रहा है। इस समय हमारे विविध व्यंजनों को विश्व बाजार में प्रचलित करने के बड़े मौके हैं। बहनों, शिक्षा संस्थाओं से जब कभी भी मुझे बुलावा आता है तो मैं वहां जाने से इनकार नहीं कर पाता, क्योंकि शिक्षा संस्थाओं से मेरा आरंभ से ही कुछ ना कुछ संबंध रहा है और शिक्षा शास्त्र में भी मेरी पहले से काफ़ी रुचि रही है। अतएव मुझे जब आपका निमंत्रण मिला, मैंने उसे बड़े हर्ष के साथ स्वीकार किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज मैं यहाँ आ सका। आप सब बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि आप इस कन्या महाविद्यालय में शिक्षा पा रही हैं, क्योंकि इस महाविद्यालय का इस राज्य में अपना एक विशेष महत्व है और इसका इतिहास नारी जागृति तथा उन्नति का इतिहास है।
इसकी स्थापना उच्च आदर्शों को लेकर एवं नारी जागृति तथा राष्ट्रीय उन्नति की पुनीत भावनाओं से प्रेरित होकर आज से बहुत साल पहले एक ऐसे समाज सुधारक के द्वारा हुई थी, जिनके हृदय में मुख्यतः नारी जाति के प्रति विशेष गौरव और महान आदर था। आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे देश में दो प्रकार की शिक्षा संस्थाएं विद्यमान हैं। एक तो वे जो अंग्रेजी शासकों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की गई थीं, और दूसरी वे जो स्वतंत्र रूप से राष्ट्रप्रेमियों द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपने देश की संस्कृति एवं सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थीं। आपका यह कन्या महाविद्यालय भी लगभग इन्हीं पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बहुत साल पहले स्थापित किया गया था, और आपके लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप में से कुछ आज इस विद्यालय में अपनी शिक्षा समाप्त कर जीवन के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति की उपाधि जो आपको मिल चुकी है आपकी एक अमूल निधि है, जिससे आपकी गुरुता और भी बढ़ती है। आप में से जो आज प्रमाण पत्र लेकर जा रही हैं वे इस विद्यालय के सीमित दायरे में से निकलकर जीवन के विशाल प्रांगण में कर्मठ कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। आपके कंधों पर जीवन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी शिक्षा और अनुभव के बल और आधार पर उसे योग्यतापूर्वक संभाल सकने में सफल होंगी। अब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहा, अब आगे आपका व्यवहारिक एवं क्रियात्मक जीवन रहेगा, और आपको अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। मुझे आशा है कि आपने यहाँ जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की उससे आप शक्ति और स्फूर्ति ग्रहण कर स्वतंत्र देश की दायित्वपूर्ण नागरिकाओं की भांति उसे निभा सकेंगी। यह सब आपके लिए तभी संभव होगा जब आप यह भली भांति समझ लेंगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। आप सब यह भली बात जानती ही होंगी कि प्राचीन काल में हमारे देश में स्त्रियों का कितना महत्वपूर्ण व उत्कृष्ट स्थान रहा है। इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति आरंभ की वह विशेषकर अपने राज को आसानी से और सुविधा के साथ चलाने के लिए जारी की थी। उसके साथ साथ उनके दिल और दिमाग में भी यह विचारधारा काम कर रही थी कि यहाँ की संस्कृति और साहित्य में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वे अपने संस्कृति साहित्य इत्यादि की अपेक्षा अधिक अच्छा समझें अथवा जिनको वे बनाए रखना उचित समझें। महोदय, जब हम भारत की संपदाओं और उत्पादन के उपादानों के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं तो समय अनिवार्य रूप से उपयुक्त टेक्नोलॉजी से संबद्ध प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इसके लिए कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, या तो अलग अलग उद्योग के लिए अलग अलग होगा। कुछ उद्योग अपरिहार्य रूप से पूंजी प्रधान होंगे, इसका हमारे सुधारों और विदेशी निवेश से कोई संबंध नहीं है। हमारे अपने सरकारी क्षेत्र में स्थापित कई उद्योग बहुत ही पूंजी प्रधान हैं। ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहाँ उत्पादन के श्रम प्रधान तरीकों का उपयोग होता है और वे प्रतियोगिता का सामना भी करते हैं। सारी दुनिया में हम आज यह देख रहे हैं कि एक जगह वेतन अधिक होने के कारण तथा दूसरी जगह सस्ते विकल्प होने के कारण उद्योग अपने स्थान बदलते रहते हैं। यह बात एक दूसरे से कतई भिन्न क्षेत्रों पर भी लागू होती है, जैसे वस्त्र उद्योग, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य उद्योग। अन्य स्थानों से आकर भारत में जो निवेश किए जा रहे हैं वे ठीक इन्हीं कारणों से किए जाते हैं, और ये उद्योग बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करेंगे। यह आर्थिक निर्णय लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग होता है। ऐसा सोचना अनुभवहीनता ही कहा जाएगा कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना लोग जानबूझकर करें बिना इस बात पर विचार किए कि दोनों देशों में अपेक्षित मूल्य और हमारे सुस्थापित तुलनात्मक लाभ क्या हैं। उसी के साथ जहां पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजियों और उच्चतर उत्पादकता तथा वेतन साथ साथ चलते
हैं उनका हमें स्वागत करना चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए। अंतिम निर्णय तो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करेगा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हमारे उद्यमी निर्णय करने में किसी से कम कुशल हैं। तथापि यहाँ यह पर जोर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी का चुनाव अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विदेशी टेक्नोलॉजी का आयात करने वालों को देश में उपलब्ध टेक्नोलॉजियों की भी सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी का विलयन और अंगीकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना टेक्नोलॉजी को तैयार करने की क्षमता पैदा करना। हमारे पास क्षमताएं हैं और इस क्षेत्र में हमें अपनी संपदाओं का इष्टतम उपयोग करना चाहिए। वास्तव में तो अपने ही देश में विकास और अनुसंधान करने का स्थान और कुछ नहीं ले सकता, तभी हम प्रतियोगिताओं का लाभ उठा सकते हैं, विशेषकर उस स्थिति में जब अन्यत्र टेक्नोलॉजी में विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है और उनके पुराने पड़ने की दर भी बहुत ही ज़्यादा है। यह बात पूरी तरह स्वीकार की जाती है कि नियंत्रणों और परमिटों की प्रणाली से ईमानदारी का खात्मा हो जाता है। उदारीकरण प्रक्रिया का तात्पर्य इन नियंत्रणों को समाप्त करना है। मुझे यह देखकर सचमुच बहुत खेद होता है कि इस संक्रमण काल में जब हम लाइसेंस राज से उदारीकरण की प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, संरचनात्मक समायोजन हो रहा है। आज हमारे अन्न भंडार में 3.5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक बड़ी संस्था है। भाइयों और बहनों, मतलब यह है कि अगर संसार को सहनशील बनाना है तो सभी लोगों को दुनिया भर में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ज़्यादातर व्यापार के लिए कच्चा माल तो किसान ही पैदा करता है। किसान के लिए कृषि अनुसंधान के खर्च में दुनिया भर में कटौती क्यों की जा रही है? कटौती करनी है तो बहुत से और क्षेत्र भी हैं। अमीर देश सन 1990 में खेती बाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता दे रहे थे वह थी 12 अरब डॉलर।